हाय गई ननद रानी तुम। हाँ पता नहीं तुमका कौन सा शौक चढ़ा है, इतनी धूप में स्कूल जाएगा। अरे घर में रहो, काम काज सीखो, खलियान का काम करो, ये सब जिंदगानी में कुछ काम ही है। आई जो तुम पढ़ती हो ना, क्या कहते हो आ ई ई, सब पढ़े लिखे से कौनो फायदा नहीं है, समझी? भाभी मैं तो समझ गई, लेकिन पता नहीं तुम कब समझोगी कि पढ़ना लिखना कितना जरूरी होता है। तुम ऐसा करो, एक दिन मेरे साथ स्कूल में चलो, तब पता लगेगा कि पढ़ने लिखने में कितना मजा आता है। पगला गई हो का? अब हम ही उम्र में पढ़ना लिखना सीखा? और मान लो तुम्हारी बात मान के हम शुरू भी कर दे पढ़ना लिखना, तो जग ऐसा हुई है और कुछ नहीं हुई है। हमारी बात माना तो ये सबसे कोई फायदा नहीं है। अरे भाभी फायदे ही फायदे हैं। अगर पढ़ने लिखने के फायदे में तुम्हें बताने पे आऊँ ना, तो दिन से रात हो जाएगी, लेकिन फायदे खत्म नहीं होंगे। वक्त के साथ जब एक बार कारवां निकल पड़ता है तो भला उसे किसकी परवाह होती है। आज तो वो आगे बढ़कर साक्षरता के बयार में झूमती है, नाचती है, गाती है कि हमें पढ़ने जाना है। यकीनन जहाँ के पढ़ने वालों में ऐसी लगन और जोश हो, उस इलाके को साक्षर होने से कौन रोक सकता है। ऐसा ही हुआ शिमला में। यहाँ साक्षरता अभियान सिर्फ एक अभियान न रहकर उसने एक जन जागरण का रूप ले लिया। वैसे भी नव साक्षरों की पढ़ाई लगातार जारी रहे और साक्षरता को विकास कार्यक्रमों से जोड़ना, यही तो साक्षरता अभियान का मकसद भी है। उत्तर साक्षरता के साथ हमारी जितनी भी मूलभूत आधारभूत जो सुविधाएं हैं वो एक आम जनमानस को मिल सके, क्योंकि अभी तक कुछ सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता और सरकार से क्या क्या लोगों को उनको दिए जाते हैं सुविधाएं, उससे वो अवगत नहीं है। पूरे जिले में निगाहें कहीं भी फैलाई जाएं, हर जगह दिखाई देता है उत्तर साक्षरता अभियान के फलस्वरूप आए बदलाव के नतीजे। शिमला शहर की ही बात लेते हैं, महिलाओं के लिए आज स्वयं सेवी संस्था की मदद से सिलाई प्रशिक्षण केंद्र चलाया जा रहा है। यह केंद्र उन महिलाओं के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है जो अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर थी। बैंकों में जाती हूँ, पैसे जमा कराने जाती हूँ, पैसे भी बचते हैं इसमें, क्योंकि एक तो दर्जी आजकल बहुत सिलाई ले रहे हैं, उससे भी बहुत फायदा है, पैसे बचेंगे। ये तो रही शिमला शहर की बात, जरा गांव की ओर चलें और देखें वहां कौन से रंग साक्षरता ने बिखेरे हैं। यहां तो महिलाएं जुराबे बना रही हैं, साथ में पढ़ना भी हो रहा है। बेशक कुछ अजीब मिलन है जुराबे और साक्षरता का, पर जहां तक उद्देश्य की बात है तो दोनों का मतलब एक ही है। घर में ऐसे ही थे, कोई काम नहीं था, जब से ये मिले तो उसके बाद हम काम भी करते हैं और साथ साथ में ये भी सीखे। और इधर तो महिलाओं को अचार चटनी बनाना सिखाया जा रहा है, महिलाएं भी बड़े चाव से सीख रही हैं अचार चटनी बनाना। हमारे पलम के, हमारे सबके पास अपने अपने बगीचे हैं, वेस्ट होता है, खुमानी है, आड़ू, सब कुछ, सारी चीजें हमारे पास है, बहुत वेस्ट होता था। तो हमने सोचा कि इन निरक्षर महिलाओं को अगर हम ये सब चीजें बनाना सिखाए तो इनमें शौक हो जाएगा और वो अपनी अपने बगीचे की सारी चीजों को इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हमने साक्षरता केंद्रों में इनको पढ़ाई के साथ साथ जुराब बुनना, अचार बनाना, चटनी बनाना, ये सब कुछ सिखाना उचित समझा, और ताकि ये आत्मनिर्भर हो सके। इतना ही नहीं, हर पंचायत में एक जन चेतना केंद्र खोला गया है जहाँ पर नव साक्षरों को जरूरत की सारी जानकारी दी जाती है। साक्षरता घर से लेकर जन चेतना केंद्रों तक नव साक्षरों की मदद के लिए मौजूद होते हैं स्वयं सेवक, जो निशुल्क भाव से लोगों की सेवा करने में जुटे हैं। कई बार तो इन्हें अपमान का कड़वा घूंट भी पीना पड़ता है, तभी तो ये अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटते हैं। दिक्कत इसमें बहुत भी आती है, क्योंकि सामाजिक रूप से कई बार अपमान का सामना भी बहुत करना पड़ता है। इसमें पढ़ा लिखा तबका जो हमारे लिए बहुत ही बाधक है, क्योंकि जो लोग समझते हैं वो हमारा साथ देते हैं, जो नहीं समझते हैं वो हमारे लिए बहुत कटाक्ष करते हैं, और इसलिए कई बार हमारे को मतलब हौसला हमारा परास्त हो जाता है कई बार। अभियान से जुड़े लोगों का हौसला अफजाई करने में सरकार भी पीछे नहीं है। वो नव साक्षरों को जहां मुफ्त में चूल्हे प्रदान करती है, वहीं तीनों प्राइमर पास कर लेने वाले नव साक्षरों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करती है। यही तो है पढ़ने पढ़ाने के एक अभियान को जन आंदोलन में बदलने के सुखद परिणाम के चंद उदाहरण। ये संकेत है आने वाले कल के शिमला के,
जिस तरह की छटा शिमला के पहाड़ों में देखने को मिलती है, ठीक वैसी ही छटा अब लोगों के चेहरे पर भी देखने को मिलेगी। पापी, तुम तो मानते ही नहीं हो कुछ। हाँ भाई, एक बात तो समझ में आई, पढ़ा लिखा में सच्ची बहुत फायदा है। भाभी, ये तो बस शिमला की महिलाओं की बात थी। ऐसे ही साक्षरता मिशन ने देश के कोने कोने में साक्षरता अभियान शुरू किए हैं, ताकि सारे पुरुष और महिलाएं पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बन जाएं। ये बात तो ठीक है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ये जो तुमरे मुट्ठी भर साक्षरता करनी है, ये इतनी सारी अनपढ़ जनता का कैसे पढ़ाई है? हाँ भाभी, काम तो बहुत कठिन है, लेकिन साक्षरता कर्मी कभी भी हिम्मत नहीं हारते। हर इलाके में अपना अपना अलग तरीका लेकर लोगों को पढ़ने के लिए तैयार करते हैं। किसी इलाके में सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं, तो कहीं स्कूल के पढ़े लिखे बच्चों का सहारा लिया जाता है। और पता है भाभी, बिहार के जिला खगड़िया में साक्षरता कर्मियों ने तो कुछ अलग हटकर किया है। अरे ये क्या, खामोश अंधेरी रात में एक एक करके दिए क्यों जलाए जा रहे हैं? कोई दीपावली का त्योहार तो नहीं है? और ये लड़कियां लड़कों के हाथ में रक्षा कवच क्यों बांध रही हैं? कोई रक्षाबंधन तो नहीं है? पर कुछ तो है, तभी तो ये सब कुछ हो रहा है। अतीत में फिरकिया के नाम से प्रचलित इस इलाके में, जो आज की तारीख में खगड़िया के नाम से जाना जाता है, जिले की खास पहचान है 27 नदियां, खजूर के पेड़ और लहलहाती फसलें। लोगों की जीविका का मुख्य साधन है खेती, गृहस्थी, पशुपालन और मछली पालन। उद्योग धंधे तो यहाँ है ही नहीं, और जो हैं वे केवल नाम के। अधिकतर भूमिहीन और गरीब लोग बसते हैं यहाँ पर, जो दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत करके अपना गुजारा करते हैं। रही सही कसर बाढ़ निकाल देती है। तो ये रही भयानक सच्चाई से रूबरू कराती खगड़िया जिले की एक तस्वीर। अब जरा लौटते हैं पीछे की ओर और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या बात है, ये बेमौसम बरसात क्यों हो रही है। अगर हम सच्चाई का खुलासा करें तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा, शायद यकीन भी बड़े मुश्किल से हो, तो क्यों न सुने उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। इस साक्षरता अभियान में हम भाई बहन दोनों मिलकर काम करते हैं, और भाई बहन मिलकर के हम लोगों ने संकल्प उठाया कि जो आगे बढ़ना है, संकल्प उठाया है। तो इस अभियान में राखी जोड़ करके हमने अपने भाई को यह चेतावना दी है कि हे भाई, ये रक्षा सूत्र आपका भी रक्षा करेगा, और इस रक्षा सूत्र से आपको भी यह लाज रखना है कि अपनी बहन का रक्षा करना है, बहन का, और बहन को आगे बढ़ना है। हम लोग जो है यह साक्षरता होली मनाया, इसके साथ साथ ये साक्षरता रक्षाबंधन कार्यक्रम किया, इसके साथ साथ हम लोग सफाई अभियान जिले में किया, उसके साथ ही साथ हम लोग जो है संपूर्ण जिले में शांति व्यवस्था के लिए, जब कभी भी किसी तरह का जातीय तनाव हो या धार्मिक उन्माद हो, उस समय हमारे स्वयंसेवक भाई जम करके उसमें हिस्सा लिया, और प्रशासनिक वर्ग के पदाधिकारियों ने हम लोगों की सहयोग चाहा और हम लोगों ने उसको सहयोग दिया। तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर क्यों हो रही है ये सारी गतिविधियां। दरअसल इन सबका बस एक ही मकसद था, पूरे गांव के लोगों को अपने साथ जोड़ना और संदेश फैलाना, पढ़ना और पढ़ाना, ताकि संपूर्ण साक्षरता अभियान को एक जन आंदोलन का रूप दिया जा सके। अभियान की लहर चौतरफा फैलाने के लिए एक नहीं बल्कि सैकड़ों कोशिशें की गई, जैसे कि रात में मशाल जुलूस निकाले गए ताकि सोए लोग जग सकें और देखें कि कैसे साक्षरता की मशाल से काला अंधेरा छिटक जाता है। घर घर जाकर लोगों से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित किए गए। यही नहीं, नुक्कड़ों और चौराहों पर सभाएं आयोजित की गईं। जागरूकता फैलाने के लिए कला जत्थे की टीमों ने गांव-गांव का दौरा किया और साक्षरता का संदेश दिया। इतना ही नहीं, साक्षरता की महिमा का गुणगान करने के लिए मंत्री, जिलाधिकारी और सारे अधिकारी गाँव में जाते हैं, ताकि अभियान को ताकत मिल सके, लोगों को ये लगे कि ये उनका अपना कार्यक्रम है। अब तो जनता भी धीरे धीरे समझदार हो रही है अक्षरों और अंकों के मेल से, तभी तो मंत्री जी ये बात कहते हैं। जब हम लोग जाते हैं क्षेत्र पे, तो जनता आप सीधे पूछती है कि आपको मैंने भेजा, आपने जो वादा किया वादा पूरा आप कीजिए, और हम लोग भी कहते हैं कि भाई जो हमारा मैनिफेस्टो है
उसके मुताबिक हम अपने कार्यक्रम को कर रहे हैं। और आज जहाँ भी क्षेत्र में जाते हैं, कोई रोड का मांग करते हैं, कोई स्कूल का मांग करते हैं, कोई पानी पीने के लिए ट्यूबवेल का मांग करते हैं, ये पहले ये सब है साक्षरता का बहुत बड़ा देन है। हालत तो आज ये है कि साक्षरता के प्रचार की जीप आगे आगे चलती है और पीछे पीछे होती हैं मंत्रियों और सरकारी अफसरों की गाड़ियां। और जब सरकारी अधिकारी अभियान को सफल बनाने के लिए जमीन पर उतर आए हैं तो पीछे एक लंबी कतार जुड़ गई है। ऐसा केवल एक गांव या शहर में नहीं हुआ, बल्कि सैकड़ों गांव में ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। लक्ष्य के प्रति समर्पित इन लोगों का उत्साह जोशो खरोश से भरा पड़ा था। महिलाओं तो घर में बैठे बैठे तो उसको तो कुछ चीज का जानकारी रहता नहीं है। मान लीजिए उसको कहे कि वहाँ चलिए, वहाँ ज्ञान की शिक्षा प्रदान कर रहा है, तो उन लोग को थोड़ा सा उत्साह बढ़ा। उन लोग सोची हाँ जाएं देखें, वहाँ सीखें क्या क्या चीज हो रही है। और क्या कहते हैं, घर में बैठे बैठे तो उन लोग को तो कुछ पता चलता नहीं है, इसलिए यहाँ शिविर में हम लोग बुलाए कि सब महिला एक जगह होकर एक संगठन बनाएंगे और सब महिला मिलकर अपना काम को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि दियारा इलाका और कार्यक्रम के दौरान चुनावी गहमागहमी होने से कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। जो पीरियड हम लोग का साक्षरता शुरू करने का है, जो पीक पीरियड है, उसी में इलेक्शन भी हुआ। और ऐसे भी 3-4-5 महीना तो हमारा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित रहता है, उसके कारण भी इसमें विलम्ब काफी हुआ है हम लोगों को। ग्रामीण महिलाओं ने भी पूरे अभियान को शीघ्र ही अपना लिया, क्योंकि उन्हें ये लगा कि इसे अपनाने में उनकी अपनी ही भलाई है। यूं कहें तो ज्यादा बेहतर होगा कि इसके मार्फत उन्हें ये आस जगी कि अगर वे पढ़ लिख जाती हैं तो शायद वे अपने मन का कुछ कर पाएंगी। कुछ पल के लिए ही सही, जिल्लत भरी जिंदगी से छुटकारा तो मिल जाएगा। उन्हें तो किसी से बोलने का हिम्मत ही नहीं होता था, वो तो सब दिन पर्दे के अंदर रहती थी, तो उसे बोलने का कैसे हिम्मत होता और यहाँ तक आने का भी हिम्मत नहीं होता। जो लड़की जो महिला अनपढ़ घर में बैठे हुए है, उसे ज्ञान मिलेगा, उसे जानकारी प्राप्त होगी कि उस जगह में पढ़ने लिखने का साक्षरता अभियान चल रहा है और पढ़ेगी लिखेगी और घर बैठे उसे काम मिलेगी। जिलाधिकारी भी महिलाओं के योगदान को सहज ही स्वीकारते हैं। इम्पैक्ट हुआ है और उससे महिलाओं का भी ज्यादा योगदान रहा है, देहाती क्षेत्रों में जाते हैं, सब आता है। और पढ़ाई का ही असर है कि हम लोग कई गाँव को हम लोगों ने साक्षर भी किया है उसमें। मगर आपको क्या लगता है कि घरों में दुबकी रहने वाली महिलाएं अगर बाहर निकल पड़ी हैं तो हमारा पुरुष प्रधान समाज चुप बैठा रहा होगा? अरे जनाब नहीं, विश्वास नहीं होता है तो सुनिए इस जिले के गांव में पढ़ाने वाली एक स्वयं सेविका के अनुभव। सब चुटकी लेता है, कोई इस हंसी उड़ाता है, पढ़ने के लिए आती है उसको कोसता है कि नहीं जाओ। ये लोग तो मूर्ख है, ज्ञान है, इन लोग को बुद्धि है। हम कितना भी अति कर देते हैं, एक समय तो ऐसे प्रलोभन दे दी, अब प्रलोभन पर कुछ आई तो कुछ साक्षर हो गई। पर एक बार जब कारवां निकल पड़ा है तो भला वो कहां थमने वाला था? किसे परवाह थी कि कौन नाराज होता है और किसे खुशी मिलती है? जैसे कि काला देवी की ही बात लेते हैं जो अपनी ही धुन में रमी है। पहला किताब नहीं मिला, दूसरा किताब सहरसा जिला से उठा के लाए, यहाँ पर यहाँ के लोग कोई नहीं जानता था, हम लाए। इसी तरह आइसक्रीम बेचकर गुजारा करने वाला कमल किशोर भी अब पढ़ने लगा है। आखिर क्यों? पढ़ने लिखते नहीं थे तो उतना पैसे के जोड़ने के लिए नहीं आता था, अब जोड़ने के लिए आते हैं। साक्षरता अभियान की ये बयार ऐसी नहीं थी कि बड़े बूढ़ों तक ही थम गई हो, बल्कि इसने तो नन्हे बच्चों को भी अपने संग ले लिया ताकि भविष्य में निरक्षरों की कोई दूसरी बड़ी जमात तैयार न हो जाए। स्कूल में फायदा हुआ कि बच्चों की संख्या बहुत बढ़ गई और उनके माता पिता भेजने के लिए बहुत उत्सुक हो गए। तो देख लिया आपने लोगों की धुन आज क्या रंग ला रही है, और रंग भी ऐसा पक्का जिसकी चटक दूर दूर तक साफ दिखाई पड़ रही है। बस जरूरत है उस नजर की जो देख पाए साक्षरता के रंगों की चटक को। भाभी, ये लो, तुम अंजीर खाओ। राजदेव तुम्हें खाओ। एक बात है, हमका तो यकीन है नहीं होता। अरे भाभी, तुम्हें यकीन करना पड़ेगा। का समय का हो रहा है, देखो तुम फिर हमका बातन में उलझा लियो। हमका बाजार जाएगा रहे, वो लीला आई रहे,
बता ही रही रहा है कि बाजार में बहुत अच्छी अच्छी चादरें आई हैं। हम सोचा एक चादर ले आई। अरे भाभी, तुम्हें पता है कि भारत में सबसे अच्छी और मशहूर चादरें कहाँ पर बनती हैं? कहाँ बनती हैं? शोलापुर में बनती हैं। शोलापुर? हाँ सुना तो है पर याद ना आ रहा। अरे भाभी छोड़ो, तुम अपने इस छोटे से दिमाग पर जोर मत डालो, मैं तुम्हें बताती हूँ। महाराष्ट्र में शोलापुर है और शोलापुर के अंदर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है देवड़ी। वहां पर ज्यादातर लोग चादरें बनाते हैं और उनकी चादरें काफी अच्छे दामों पर बिकती हैं। अच्छा, अब जब उनकी चादरें इतने अच्छे दामों पर बिकत हैं, तो उनका पढ़ाई लिखाई करने से क्या जरूरत? जरूरत क्यों है, वो तो उन्हीं से जाकर पूछते हैं। शोलापुर अपनी खास और मशहूर चादरों का शहर। न जाने कितने कारखाने, मशीनों को चलाते कितने ही कारीगर, अनगिनत धागों के बंडल, रंग बिरंगा सूत और अनेकों रंगों में बनती एक से एक बढ़कर चादरें। इसीलिए तो कहा जाता है, भाई चादर हो तो शोलापुर की। इस इलाके में चल रहे साक्षरता कार्यक्रम को देखने इस बार हम शोलापुर से 40 किलोमीटर दूर एक गांव देवड़ी में हैं। देवड़ी महाराष्ट्र के जिला शोलापुर का एक अच्छा खासा बड़ा गांव। यहां भी चला साक्षरता अभियान देश के अन्य गांव, कस्बों और जिलों की तरह, पर देवड़ी गांव के कार्यक्रम का जोश और साक्षरता के बाद आया बदलाव अपने आप में ही सुनने, देखने और बताने लायक है। साक्षरता की जरूरत महसूस कराने के लिए गांव के ही गीत, गांव के ही नृत्य के साथ गांव वालों के ही बीच में साक्षरता की बात रखी गई। साक्षरता की ज्योति और निरक्षरता का अंधकार, इसी को दूर करने आया यहाँ साक्षरता जत्था। कक्षा में आने के गीत थे, लोगों के जागने की बातें थी, आगे बढ़ने की बातें की गई और खुद के पैरों पर खड़े होने को कहा गया। इस सब को सुनकर भला कोई निरक्षर रह सकता था? साक्षरता की शुरुआत के साथ ही देवड़ी गांव की निरक्षर जनता और वहां की आम सी जिंदगी में बदलाव आने लगा। देखने में एकदम से महसूस नहीं होता, सब कुछ पहले जैसा ही लगता है, पर जरा गांव के अंदर जाकर लोगों से बात की जाए तो मालूम चलने लगता है कि पढ़ाई से क्या परिवर्तन आया। पढ़ने से अब सारी बातें समझ में आ रही है, बाजार का व्यवहार भी समझ में आ रहा है, अब मालूम चला है पढ़ने का फायदा, इसीलिए तो बच्चे को स्कूल भेज रहा हूँ। जैसे मेहनत करने का फल मिलता ही है, ठीक वैसे ही गांव में साक्षरता का प्रभाव भी सभी जगह दिखता है, यहाँ भी और यहाँ भी। हाँ जी, यहाँ खेत और खलिहान में भी। अब सुरेश मारुति थोरात को ही लीजिए, खेती से होने वाली इनकी कमाई अब दुगुनी हो गई है। कमाया कैसे जाता है, इन सब बातों का अभी ने ज्ञान है। जब पढ़ना लिखना नहीं आता था तो लोग फंसा देते थे, अब लिखना पढ़ना शुरू किया है, उससे बाजार में जाकर सब्जी बेचने में फायदा होता है। फसवत ना कोण काय ना काय ना, आता माळवट आळव ऐकू शकतो आणू शकतो, बे भवान शेतीत पेरतो आणतो लावतो, सगळा हिशेब कळतो करतो। आता गाँव का विकास और साक्षरता कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसकी साफ झलक दिखाई देती है इस गाँव में। चाहे खेत खलिहान हो या गाँव में स्वास्थ्य की बात, अब पल्स पोलियो कार्यक्रम को ही लीजिए, यहाँ के लोगों में कार्यक्रम को लेकर आई जागरूकता, पल्स पोलियो में 100% से भी ज्यादा के परिणाम और बच्चों को गोदी में लिए माताओं की भीड़, ये माहौल बिना कुछ कहे ही कह देता है कि अब हम समझदार हो गए हैं। नव साक्षरों का पोलियो बैनर खुद ही पढ़ना, हमें पढ़कर बताना, ये सब बातें खुद ही इशारा करती हैं गांव देवड़ी में साक्षरता के फायदों की तरफ। कि गांव का जो पर्यावरण है,
गांव का पर्यावरण आज दूषित होता है, जंगल काटे जा रहे हैं, पीने का पानी दूषित हो रहा है, और हम लोग सिर्फ सरकार की तरफ डिमांड करते हैं, परंतु अगर शिक्षित जनता होगी तो गांव के लोग खुद से संघर्ष करके और संगठित होकर गांव के पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे, गांव के पीने के पानी के सोर्सेज को सुरक्षित रखेंगे, और फिर सरकार के जितने भी विकास के कार्यक्रम हैं उसमें जब तक लोगों का हाथ बार नहीं लगता जब तक वो यशस्वी होते नहीं हैं। तो ये सरकारी कार्यक्रमों को यशस्वी करने के लिए लोगों का सहभाग बहुत आवश्यक है, और ये सहभाग मिलने के लिए लोग सीखे हुए होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। जैसे जिलाधिकारी कह रहे हैं, गांव में ठीक वैसा ही हो भी रहा है, लोग साक्षर हो रहे हैं, और फिर कल गांव के विकास की भी बात होगी, और विकास में इन लोगों के भागीदारी की भी। इन सब बातों के लिए ही तो गांव की कक्षाओं में तैयारियां चल रही हैं। कल पढ़ लिख जाएंगे तो गांव के विकास के लिए खुद ही आगे आएंगे। पहले जब लोगों को पढ़ने के बारे में बोलते थे तो वो कहते थे क्या फायदा होगा, पढ़ने से कौन सी नौकरी मिलेगी, अब कोई उम्र है क्या पढ़ने की। फिर जब लोग पढ़ने आने लगे तो अब बाजार, ऑफिस के बोर्ड, कारोबार, सरकारी काम सब समझ में आने लगे। एक ग्रामवासी साक्षर हो रहा है, गांव में सुखद बदलाव आ रहा है। इन सारे परिवर्तनों के साथ साथ गांव देवड़ी एक आदर्श गांव बनता जा रहा है। भाभी, क्या अब भी तुम पढ़ाई लिखाई को बेकार समझती हो? नहीं, बेकार तो नहीं समझता, लेकिन कुछ अटपटा सा लगा था। अटपटा? अटपटा क्यों? अब देखो ना, इतना सारा काम काज है, बर्तन धोए का पड़त है, घर की साफ सफाई है, अब बच्चन का रख रखाव है, अब इन सब मुश्किलों में कहाँ पढ़ाई लिखाई के लिए टाइम निकाली। भाभी, तुम इन सब चीजों को मुश्किलें कहती हो, क्या तुम्हें ये पता है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास खाने के लिए ढंग का खाना नहीं है, रोजगार नहीं है, लेकिन फिर भी वो सब लोग साक्षरता कक्षा में पढ़ने के लिए जाते हैं, अपने जीवन को सुधारने के लिए जाते हैं। हम नहीं मानते, भला इतनी मुश्किलन में कोई का कहता हूँ साक्षरता कक्षा में जाइए। देखो भाभी, तुम्हें यकीन नहीं आता ना, तुम मेरे साथ चलो। खैर के ये हरे भरे वृक्ष, ये वृक्ष बहुत कीमती हैं, क्योंकि इनसे ही तो कत्था बनता है। इसके लिए पहले तने की बाहरी परत को छीला जाता है, इसके अंदर के हिस्से को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उसे क्रशर में डाल दिया जाता है। यहाँ मोटे मोटे तने भी लकड़ी के चिप्स के रूप में बन जाते हैं, जिन्हें धधकती भट्टियों की आग के माध्यम से बड़े बड़े टर्बाइनों में उबाला जाता है, और तब विशेष प्रक्रिया के बाद उत्तम क्वालिटी के कत्थे का निर्माण होता है। यहाँ कत्थे की पैकिंग करके उसका निर्यात किया जाता है, और इसकी घरेलू खपत भी बहुत है। यही तो है हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले का खास तोहफा आपके और हमारे लिए। वैसे जिले के गगरेट प्रखंड में स्थित इस कत्थे के कारखाने में काम करने वाले इन मजदूरों के लिए भी ये बात किसी तोहफे से कम नहीं है कि इनके बच्चे अब स्कूल जाने लगे हैं। पहले इतने जानते नहीं थे, जब से यहाँ फैक्ट्री में बुलवाए, उन लोगों ने सर्टिफिकेट बनवाए के बाद में फिर बच्चे स्कूल में जाने लगे। ये बलोटी है जो रहने वाला तो मध्य प्रदेश का है, लेकिन रोजगार की तलाश में यहाँ तक चला आया। यहाँ काम करने वाले मजदूरों में ज्यादातर दूसरे राज्यों से आए हैं, और इनके बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। खुद इनका पढ़ाई लिखाई से तो कोई नजदीकी वास्ता नहीं रहा, इसलिए वे इसके महत्व से अनजान थे। लेकिन कारखाने के साझेदार HC चड्ढा साक्षरता अभियान के आह्वान पर इनके बच्चों को स्कूल भेजने के काम में स्वयं आगे आए। जब से साक्षरता अभियान चालू हुआ है ये, तो हमने और साक्षरता मिशन के लोगों ने मिलके इन बच्चों का स्कूल में रजिस्ट्रेशन करवाया है, और अब अधिकांश बच्चे स्कूल जा रहे हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और मजदूर भी प्रतिदिन यहाँ काम शुरू करने से पहले सत्संग में बैठते हैं, जहाँ उन्हें धार्मिक ज्ञान के साथ साथ लिखने पढ़ने के लिए भी प्रेरित किया जाता है। संत की बातों को ये मजदूर बड़े ध्यान से सुनते हैं, ज्ञान देने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। कुछ इसी तरह के व्यापक प्रयासों के कारण ही तो ऊना संपूर्ण साक्षरता के दौर से निकलकर उत्तर साक्षरता के चरण से गुजर रहा है। उत्तर साक्षरता में हमारा जो पहला प्रयास है वो होगा कि हम जो कमज़ोर वर्ग है उन लोगों को मधुमक्खी पालन के लिए या शहतूत पैदा करेंगे
जो कि रेशम के कीट पालने के लिए काम आएगा, क्योंकि अधिकतर लोग किसान हैं, जिससे कि ये जो कमजोर वर्ग है वो आत्मनिर्भर बन सके। वैसे ग्रामीण इलाकों में भी नरक्षरों को पढ़ने के लिए तैयार करना आसान नहीं था। खेतों में काम करने वाली महिलाओं के सामने सवाल ये था कि धूप में कड़ी मेहनत करके दो वक्त की रोटी कमाएं या पढ़ने में समय लगाएं। टटेरा गांव की प्रधान और अनुदेशक अनीता को इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। जब हम इनको बोलने जाते थे कि आप पढ़ो, तो ये कहती थी हमें काम करना पड़ता है, हमारे पास टाइम नहीं है। हमने इनको बोला कि आप काम भी करो और पढ़ो भी, दिन में थोड़ा सा टाइम निकाल लो, एक घंटा निकाल लो, दो निकाल लो। अब ये पढ़ने लगी हैं और कुछ ना कुछ पढ़ लेती है। मिट्टी के कच्चे बर्तनों को तैयार करती चाहे अम्ब की नवसाक्षर महिला श्यामा देवी हो या इनका साथ देने वाली इसी गांव की ये महिलाएं, इन सभी उदाहरणों का एक ही संदेश है कि साक्षर होने के बाद दुनियादारी की बात इनकी समझ में आ गई है, इन्होंने अपने बूते जीना सीख लिया है। मेरी बहना पढ़ो लिखो जी, आ ई क ख ग घ पढ़ो लिखो जी, आ ई क ख ग घ पढ़ो।